दोस्तों, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़े या फिर उसकी औकात से नहीं, बल्कि उसकी जांबाजी, हुनर और नाम से होती है। लेकिन फिर भी इन हुनर को न देखते हुए कुछ लोग उन्हें हर काम करने पर मजबूर कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कुछ ऐसी बदनामियों का सामना भी करना पड़ता है जिसको न चाहते हुए भी लोग सहते हैं। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी जबरदस्तियों का सामना किया है जिसे आज वो भुलाए नहीं भूलती और जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन सी हैं ये अभिनेत्रियां जिन्हें करना पड़ा इन बदनामियों का सामना। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे दिग्गज स्टार्स रहे हैं जिन पर अक्सर एक्ट्रेसेस भी फिदा हो जाती थी। जब वो शूटिंग करते थे तो लगता था कि यही असल जिंदगी की सच्चाई है। और इन्हीं में से एक थे एक्टर विनोद खन्ना, जो कि आज भले ही हमारे बीच ना हो लेकिन उनकी फिल्मों का आज भी हर कोई दीवाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना फिल्मों के सीन इतने दिल से करते थे कि कभी कभी लगता था सब कुछ सचमुच हो रहा है। और इसी वजह से कुछ हीरोइनें उनके साथ रोमांटिक सीन करने से डरती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमांटिक सीन करते हुए विनोद खन्ना अक्सर बेकाबू हो जाते थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। खबरों के मुताबिक फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन देते हुए विनोद इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी के होठ ही चबा डाले थे। और ये सीन करीब 2 मिनट से ज्यादा लंबा था। और इस सीन में माधुरी को विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन करना था, और सीन करने से पहले ही माधुरी डरी हुई थी। और जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो कई रिटेक लिए गए, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सीन की शूटिंग के दौरान ही उनको विनोद खन्ना की नीयत में खोट नजर आ गई थी और वह शूट एक बार में ही खत्म करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें कई बार सीन शूट करना पड़ा, जिसके बाद वो काफी असहज महसूस कर रही थी। माधुरी का कहना था कि विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फायदा उठा रहे थे, और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने यह सीन फिल्म में रखा और बार बार रीटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद को डांटते हुए दूर रहने के लिए कहा, और इसी सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच खटास पैदा हो गई और माधुरी ने दोबारा उनके साथ कोई फिल्म नहीं की। और दोस्तों, ऐसा ही माधुरी दीक्षित की जिंदगी का एक और शर्मनाक किस्सा रहा है। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित 1989 फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नजर आई थी, और इसके एक रेप सीन के मामले में वो पूरी तरह से सहम गई थी। आपको बता दें, दरअसल यहाँ बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। साल 1979 में इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और विलेन के रूप में रंजीत थे। अब विलेन के रूप में रंजीत है तो आप समझ गए होंगे कि माधुरी का डरना तो जायज था, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी के साथ रेप सीन फिल्माया गया था। माधुरी दीक्षित को जब डायरेक्टर ने इस सीन के बारे में बताया तो वो सहम गई थी। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की जरूरत थी और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खूंखार विलेन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। और जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी दीक्षित डरी हुई थी और उन्होंने विलेन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया था कि मुझे हाथ भी मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती की थी और तय की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने लग गए थे। रंजीत ज्यादा हावी हो गए माधुरी के ऊपर और वो अपना आपा खो बैठे थे, जिसकी वजह से माधुरी दीक्षित को अपने बल के साथ रंजीत को अलग करना पड़ा। और ऐसे में दावा किया जाता है कि इस दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था और तब जाकर रंजीत माधुरी से पीछे हटे थे। और दोस्तों, 80 के दशक की यह घटना माधुरी दीक्षित को आज भी डरा देती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सीन्स जिनसे माधुरी दीक्षित को भरना पड़ा बदनामियों का हर्जाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे अभिनेताओं को ऐसे जबरदस्ती सीन्स करने पर सजा देनी चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,